हो सकता है उसकी कुछ बीमारियां, उसकी कुछ कमजोरियां, उसकी कुछ गुनाह आपको मालूम हो, लेकिन उसकी कुछ नेकियां भी आपको मालूम होंगी। और ये भी हो सकता है उसकी बुराइयां कम मालूम हो, उसकी नेकियां ज्यादा मालूम हो। लेकिन हर शख्स अपने बारे में जब गौर फिक्र करेगा, अपने बारे में जब हिसाब लगाएगा, अपने बारे में देखेगा, तो अल्लाह के घर में ये आते हैं कि हर शख्स दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में जरूर ये फैसला करेगा कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। और देखो आज कुछ और शैतान ने हमें धोखे में रखा है। अगर खुदा ना खास्ता एक काम हमने अच्छा कर दिया, एक फर्ज को अदा कर लिया, एक वाजिब और एक सुन्नत को अदा कर लिया, तो उसको तो हम खूब फखरिया तौर पर कहते हैं हमने फर्ज अदा किया, हमने वाजिब अदा किया, हमने ये काम किया। और बहुत सारे गुनाह हैं जिसको हम जानते हैं लेकिन गफलत ऐसी सच्चाई हुई है कि उस गुनाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। होना तो ये चाहिए था आदमी अल्लाह की फरमाबरदारी और नेकियां खूब करता और जितनी नेकी करता उसको भूल जाता। सुबह की हुई नेकी दोपहर को और दोपहर की हुई नेकी शाम को भूल जाता और शाम की हुई रात को भूल जाता और अपने गुनाहों को याद करता और याद रखता। आदमी अपनी नेकियों को याद रखता है और उस पर इतराता है तो बेचारा इतने में मुबतला हो जाता है। और आदमी गुनाह नेकियों को करने के बाद भूल जाता है तो भूल जाता है, इसलिए और फिक्र करता है और नेकियां करो और आगे बढ़ो और नेक काम करो। और मेरे भाई जब ये आदमी अपने गुनाह को याद करेगा, गुनाह को याद रखेगा, अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी कि इस गुनाह से वो सच्ची पक्की तौबा करेगा, इस गुनाह को छोड़ेगा, इस गुनाह से बाहर आएगा। गुनाह दो किस्म के हैं, बाद काम वो है जिसको शरीयत ने करना हराम करार दे दिया है। हम सब अपना मुहासबा करें, इतने ऐसे गुनाह हैं जो हराम है और अल्लाह ने मना फरमा दिया है और हम अपने इसमें मुबतला है। क्या मैं जिनाकारी में तो मुबतला नहीं हूँ? क्या मैं शराब पीने में तो मुबतला नहीं हूँ? क्या किसी के हुकूक को, किसी के माल को दबाने में तो मैं मुबतला नहीं हूँ? किसी की चोरी और गिबत के अंदर तो मुबतला नहीं हूँ? ऐसे गुनाह जो हर हाल में हराम है, ऐसे गुनाहों के बारे में अपना अपना मुहासबा करे कि किस गुनाहों में मैं मुबतला हूँ और इस गुनाह को छोड़ने की क्या तरीका हो सकता है, उस गुनाह को किस तरह मैं छोड़ सकता हूँ। आप देखते हैं इस बीमारी में अगर हमारा ताल्लुक किसी बड़े डॉक्टर से है, किसी बड़े हकीम और मरीज से हैं, तो हम पूछते हैं बीमारी तो नहीं है लेकिन उससे बचने के लिए क्या तब्दील तरीका है। मैं बहुत मोहब्बत से कहूँगा अल्लाह के बंदो, अगर हम इस गुनाह बिना गुनाह में मुबतला है तो उलमा से पूछो कि इस गुनाह को छोड़ने का क्या तरीका है, इस गुनाह को हम किस तरह छोड़ सकते हैं, इस गुनाह से हम किस तरह बच सकते हैं। सेहत का तो हमें ख्याल है कि कोरोना से बचना चाहिए, इस बात का ख्याल नहीं कि जो गुनाह रोजाना हमारे ईमान को कमजोर कर रहा है उस गुनाह के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं, उस ईमान के जौक के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं। एक तो वो गुनाह जिसको शरीयत ने हमेशा के लिए हराम करार दिया, अपनी जिंदगी में वो गुनाह है, इन गुनाहों को छोड़े, तौबा करे, तौबा करे। बाद वो गुनाह है कि जो काम था उसको करना हमने छोड़ दिया और गुनाह बन गया। फर्ज इबादत है, नमाज कितनी अहम चीज है। आज नमाज के बारे में हम हर शख्स अपना अपना मुहासबा करे, पांच वक्त की फर्ज नमाज हमसे अदा हो रही है नहीं हो रही है। ऐसे कठिन हालात में जहां कोई मसला नहीं सिवाय इसके कि मेरा पैदा करने वाला खुदा मुझसे नाराज हो चुका है, मैं इसके फराइज को अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पांच वक्त की फर्ज नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं पढ़ी जा रही है। मेरे भाई मुसलमान
मुसलमान की बस्ती है, मुसलमान का मोहल्ला है। जरा फज्र की नमाज पढ़कर निकलिए और अपने मुसलमान घरों पर लाए नजर डालिए। 90% ऐसे घर मिलेंगे जहाँ दरवाजे भी बंद है, बिजलियां भी बंद है, लोग सन्नाटे की नींद सो रहे हैं, फज्र की नमाज का कोई अहतमाम नहीं। पांच वक्त की फर्ज नमाज, अल्लाह के सहाबा फरमाते थे कि हम तो ईमान और बेईमानी, ईमान और कुफर के दरमियान किसी चीज को फर्क करने वाली समझते थे, तो सिर्फ नमाज थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं। आज हमारी वक्त का आलम यह है, अल्लाह हमसे नाराज है, हम मसाइल को उतरा है और नमाजों में हम देखते हैं हमारी पाबंदी नहीं। फजर की नमाज में आप देखिए 10 मुसल्ली दाएं की तरफ, 10 मुसल्ली बाएं तरफ सन्नाटा है। और मेरे भाई असल नमाजी तो वो नमाजी है जो फजर की नमाज पढ़ता है, क्या हदत तय करे, कोशिश करे कि आज तक हम सुना मुतला है, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करे और अल्लाह के घर में अल्लाह से वादा करे, आज तक हमसे ये गुनाह हुआ है, हम तौबा करते हैं और हम नियत करते हैं कि आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, हम फर्ज नमाजों का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह हमसे गफलत होती है, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन बाजमात नमाज का एहतमाम नहीं करते। हमारे आना के आगे बाजमात फर्ज नमाज को अदा करना सुन्नत मुअक्कदा करीब वाजिब के हैं। और बात रही है कि यहाँ तो फर्ज नमाज बिना उम्र के बेजमात होती ही नहीं है, हम इस पे गफलत करते हैं। मैं अर्ज करूंगा इन गफलत को छोड़िए, अल्लाह के वास्ते फर्ज नमाजों का इंतजाम करें, बाजमात पढ़ने का इंतजाम करें। अल्लाह ताला शानहु हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह जितने भी फराइज है जिनको करना हमारे लिए जरूरी है और हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, इन गफलत को छोड़िए। हमारे दिल से दीन की बात सुनने का जज्बा खत्म हो जाए, दीन की बात सुनने के का दरवाजा खत्म हो जाए, दीन की बात सुनने की अहमियत खत्म हो जाए, हमारे कान दीन की बात सुनने के लिए तैयार न रहे, ये मोमिन कौम की जिंदगी और बस्ती की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह ताला शानहु इस बस्ती और जिंदगी की अलामतों से हमारी हिफाजत फरमाए। हम दीन की बातें सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, सिवाय इसके दुनिया में आखिरत वाली जिंदगी का कोई रास्ता और कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह ताला शानहु ने जो बातें कहवाई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने भाइयों से कहूंगा नमाज के लिए हाजिर हो जाए, खुतबे को अपने खामोश रहे और कभी भी सुन्नत का एहतमाम करे और नमाज के बाद की सुन्नतों का भी एहतमाम करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।